नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आइए नजर डाल लेते हैं छिंदवाड़ा से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। जनपद कार्यालय में जिला पंचायत सीईओ रोहित सिंह ने समय सीमा की मासिक बैठक ली। इस दौरान जनपद के विकास कार्य को लेकर सीईओ को जानकारी दी गई। वहीं सीईओ रोहित सिंह ने बैठक में नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अधूरे पड़े निर्माण कार्यों पर असंतोष जताते हुए सरपंच सचिवों और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। सांसद कमलनाथ शुक्रवार सुबह निजी हेलीकॉप्टर में बैठकर छिंदवाड़ा से गोटेगांव के झोतेश्वर आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज का आशीर्वाद लिया, साथ ही झोतेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। आज छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ तहसील के ग्राम मुजावरमाल में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक होटल में रखा गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण फट गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस दौरान कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि मृतक के परिजन को यथासंभव सहयोग प्रदान करें। 41 विभागों में पदस्थ लिपिक और लघु वेतन कर्मचारी गुरुवार से दो दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर हैं। 6 बड़े संगठनों के हड़ताल में जाने से सरकारी ऑफिसों में इसका खासा असर दिखाई दिया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश लिपिकीय शासकीय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश तृतीय वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ और मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर दो दिवसीय हड़ताल हुई थी। इस दौरान सभी संगठनों ने रैली निकाली और फिर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एलडी बौरासी के मार्गदर्शन में आज स्थानीय डैनियलसन डिग्री कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न हुआ। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय, प्राचार्य डॉक्टर शालेम अल्बर्ट, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी रविंद्र नाफड़े, प्राध्यापक डॉक्टर आर के श्रीवास्तव, प्रोफेसर रनिता शर्मा, प्रोफेसर पी भुसानकर, एस हाबिल, रेखा श्रीवास्तव, रानी साहू, निधि सेजवान, मनीष पवार और समाज सेवी और पैरा लीगल वॉलेंटियर श्यामल राव उपस्थित थे। आईपीएल मैच शुरू होते ही इस बार सट्टा लगना भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज छिंदवाड़ा की पंचशील कॉलोनी से सट्टा लगाते हुए सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि पंचशील कॉलोनी में आकाश जैन नामक व्यक्ति अपने घर पर मुंबई और हैदराबाद की टीमों के बीच चल रहे मुकाबले में सट्टा खिला रहा था, जिसके बाद थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम गठित कर आरोपी के घर दबिश दी गई। इस दौरान पुलिस ने आकाश जैन, अनंत कुमार जैन, मनोज चरपे, दौलत राम पवार, घनश्याम साहू और सुभाष यादव को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पुलिस को उनके निवास से सट्टा पर्ची, मोबाइल, लैपटॉप और 89,000 रुपए नकद बरामद हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कमलनाथ का हेलीकॉप्टर भटकते हुए नरसिंहपुर जिले के कोतसा गांव में एक खेत में उतर गया। कमलनाथ हेलीकॉप्टर पर सवार होकर छिंदवाड़ा से झोतेश्वर के लिए निकले थे। झोतेश्वर की तलाश करते पायलट ने खेत पर हेलीकॉप्टर उतार दिया। बताया जा रहा है कि सांसद कमलनाथ शुक्रवार सुबह निजी हेलीकॉप्टर में बैठकर छिंदवाड़ा से गोटेगांव के झोतेश्वर आश्रम के लिए रवाना हुए थे। उन्हें झोतेश्वर आश्रम में उतरना था, लेकिन नरसिंहपुर पहुंचते हुए ही रास्ते में उनका हेलीकॉप्टर भटक गया। हेलीकॉप्टर के पायलट गोटेगांव के झोतेश्वर आश्रम की तलाशते ही रह गए। उनका हेलीकॉप्टर करेली के कोतसा गांव के ऊपर मंडराता रहा, पायलट को रास्ता सूझ नहीं रहा था। जिला पुलिस शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस बार जिला पुलिस बल ने शहर में हो रहे एक्सीडेंट को रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया है और नाबालिग स्कूली बच्चों द्वारा चलाए जा रहे दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर नकेल कसी है। इस दौरान पुलिस शहर के मुख्य चौराहों और स्कूल के पास चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर पुलिस द्वारा उनके परिजनों को बुलाकर समझाइश दी जा रही है। गुलाबरा में श्रीमद् भागवत का वाचन पंडित भुवनेश्वर कृष्ण शास्त्री द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में आज नगरवासी भगवत कथा सुनने पहुंचे। आज कथा में श्री कृष्ण के 12 अवतार, कपिल भगवान का जन्म, ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई गई। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी। नमस्कार।